महाराज जी मैं यमुनानगर से हूँ, कभी कभी धाम एक महीने में दो बार। यमुनानगर से महाराज जी एक महीने में दो बार आ जाती हूँ, लेकिन घर नहीं बताती कहाँ जा रही हूँ, यहाँ बिना बताए आते हैं, क्या ये अपराध है? अपराध नहीं पर असावधानी है। अपराध हम तो नहीं कहते, भगवत धाम में आती हो, भगवान नाम के लिए आती हो, पर असावधानी है। महाराज जी घर के सदस्यों को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, बीच में कुछ भी कैसे भी, तो फिर आप क्या, इतना तो प्रेम व्यवहार परिवार में रखना ही चाहिए। हम यहाँ कहते हैं साधकों से कि यदि परिक्रमा भी जाना है तो किसी एक से आपको बता के जाना होगा कि हम परिक्रमा में जा रहे हैं, इतने से इतने बजे तक परिक्रमा देके हम उपस्थित हो जाएंगे। तो आप स्त्री शरीर हो, आप ऐसे बिना बताए निकल गई और घर के सदस्यों को चिंता हो, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। महाराज इनके साथ आते हैं? हाँ इनके साथ, तो फिर कोई बात नहीं ना। घर नहीं बताते? घर नहीं बताते। आपका घर कौन है और ये कौन है? कैसे पेरेंट्स हो? ये कौन है आपके? इस शरीर के पति है ना, बस आपके लिए यही घर है, दूसरा कोई घर थोड़ी है। दूसरे लोगों को तो इनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रही हो ना भाई, इनकी माँ है, इनकी बहन है, इनके भाई है, इनके पिता है, इनके माता है, तो इसलिए सेवा कर रही हो कि इनको इससे सुख मिलेगा, आपके लिए दूसरा कोई नहीं, केवल ये है। और ये साथ है तो दूसरे से प्रमाण की जरूरत नहीं, आज्ञा की जरूरत नहीं, फिर कोई उसमें ठीक है। तुम्हारे घर ये है, तुम्हारे घर ये हैं, तुम्हारे घर वाले हैं ना, हाथ में पूछा जाता है कौन, तो बोले हमारे घर वाले हैं। हाँ इनसे अगर कपट हो फिर हम इसमें राजी नहीं है, क्योंकि पति भगवान का स्वरूप है ये मान लो, वैसे तो सारा जगत भगवान का स्वरूप है, पर अपना जो पति है हमारा श्री कृष्ण ही पति रूप में आया हुआ है, अगर ये मान लोगे ना तो यहीं से आराधना प्रारंभ हो जाएगी। अगर इनसे छल कपट होने लगा तो फिर हम, मुझे लगता है जिस जगह हो वहां करेक्ट रहोगे तो ऊपर उठा दिए जाओगे। आपको जो सेवा मिली है, आप जहां हो वहां ठीक निर्णय करो, वहां ठीक संविधान से चलो, तो आपको ऊपर उठा दिया जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा कर लेगा, आपको आगे बढ़ा देगा। और कि हमें भगवान का भजन करना, सबकी अवहेलना कर दी, वासनाओं को मिटा नहीं पाए, नए नए खेल वासना के, तो धोबी का कुत्ता घर न घाट कहना, ऐसे न वैसे रहे मजरे डो पाछलियो जो करी निर्भाषित। सही मार्ग से चलोगी ना तो जब इनमें देखोगी तो तुम्हें दिखाई देगा ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण, मेरा प्रीतम ही पति रूप में आया हो, कितना आनंद हो जाएगा। समझना है, अभी तुम मोह से युक्त होकर देखते हो, फिर तुम्हें वास्तविक प्रेम हो जाएगा, और वास्तविक प्रेम में देखोगे कि दूसरा कोई है नहीं, मेरा प्रभु ही मेरे पति रूप में है, बस खत्म खेल। यहीं से आराधना देखो, अनुसुईया जी ने महर्षि अत्रि को भगवान का स्वरूप माना, पति थे ना उनके सिवा कोई और भगवान सोचा भी नहीं, आठों पहर उनकी आज्ञा में रहना, तो उनका यश फैल गया पतिव्रत धर्म के कारण। तो तीनों देवियों ने कि हमसे बढ़कर कौन पतिव्रत होगा, लीला है, तो अपने अपने प्रभुओं से कहा कि आप अनुसुईया जी के पतिव्रत की परीक्षा लीजिए। नारद जी ने उनको यश सुनाया कि इस समय भूमंडल में अनुसुईया जी पतिव्रत धर्म से युक्त है। तो भवानी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी तीनों ने अपने अपने प्रभुओं से प्रार्थना की कि आप सर्वसमर्थ उनकी परीक्षा लो। अब प्रभु उनके प्रेम विनय की बात मान गए, तो विचार किया कि पतिव्रता की परीक्षा बड़ी कठिन बात है, थोड़ी सी भी चूक हो गई तो धर्म की हानि हो जाएगी, तो भिक्षुक रूप बने संत रूप, और दरवाजे पे गए तो अतिथि धर्म है, कोई भी दरवाजे पे आवे उसका सम्मान करना कर्तव्य होता है। आजकल तो सब कोई भूले हुए हैं, आज पहले ही लिखे कुत्ते से सावधान दरवाजे पे, पहले लिखे कुत्ते से सावधान, अब क्या पहले लिखा जाता था अतिथि देवो भव, अभ्यागत अतिथि हमारा भगवान का स्वरूप है। दरवाजे पे आके अगर कोई भी है तो सबसे पहले मृदवाणी जी, क्या हमको अमुक वस्तु चाहिए, अगर आपकी श्रद्धा और सामर्थ है तो दे दो, नहीं तो शास्त्र नहीं कहता कि आप दे ही दो, लेकिन मृदु भाषण यह हमारी स्पष्ट कहते हैं, हमारी श्रद्धा नहीं है, सामर्थ्य तो भगवान ने दी पर हमारी श्रद्धा नहीं कि मैं आपको दूं, कोई अपराध नहीं लगेगा। आप उसके स्वामी वस्तु के नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, उसमें झूठ कपट या अपमान करने की जरूरत नहीं। प्रणाम, आप जो मांग रहे हो मैं नहीं दे सकता,
आप पधारिए, कोई परेशानी नहीं। अपमान करना, निरादर करना, और जो ऊंची स्थिति के सदग्रस्त होते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम हाँ बैठिए, हम भोजन दे सकते हैं आपको, वस्त्र दे सकते हैं, धन नहीं दे सकते आपको। हमारे संतों और गुरुजनों ने आदेश नहीं दिया कि हम आपको धन दें। अगर ऐसा हमें लगेगा तो फिर हम आगे बताएंगे, अभी तो पर बिल्कुल ठीक बात, धर्म से चलना। तो अनुसुईया जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि महात्मा पधारे, प्रणाम किया। महाराज कुछ समय दीजिए, अभी कंद मूल फल लाकर आपको अर्पित करती, जंगल में रहती, उनका कंद फूल का हम आहार नहीं करेंगे, हम तो दुग्ध पान करेंगे। उनका दुग्ध पान विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वहां कंद मूल फल खाने वाली किसी ऋषि के यहां से हमें दूध, बोले ऋषि का नहीं, हम आपका दुग्ध पान करेंगे। एक क्षण दीजिए, एकांत में। अब चूंकि उनके पति ध्यानस्थ रहते थे, अब उनसे बात करना है तो ध्यान से ही, ध्यान में ही तो करना है, फोन तो थे नहीं ना, या जाके प्रगट में बात नहीं कर सकती क्योंकि वो ध्यानस्थ है। तुरंत ध्यान में हुई और कहा, भगवान आपके घर में अतिथि आए हैं। हमारे घर में अतिथि आए नहीं, आपके घर में अतिथि आए हैं, वो मैं आपकी सेविका हूं, अतिथि धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और वो कह रहे हैं कि स्तन पान करेंगे, अब आप आदेश कीजिए, स्तन स्पर्श का दो का ही अधिकार है, पुत्र या पति का, पुत्र तो और पति, भगवान आप आदेश कीजिए क्या करें। तो उनका जब पता है पुत्र और पति का अधिकार है, तो पति मैं हूं, पुत्र उनको बना लीजिए। आदेश हुआ, कमंडल से जल लिया और पड़ गए, छह छह महीने के बालक हो जाए, तो भगवान छह छह महीने के बालक बन गए, ओ गोद में पिला। अब महीनों हो गए, तीनों देवियां विचलित हो गई, नारद जी गए बोले तुम दूसरी कोई व्यवस्था सोचो, वो तो अनुसुईया जी के बालक हो गए। नारद जी से कहा तुमने फंसा दिया, तुम ही आके बताए थे कि अनुसुईया जी पतिव्रता है, तो हमारे मन में ऐसी बोले छह छह महीने के पालन में झूल रहे हैं तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर अब कुछ चाहिए तुम्हें तो अनुसुईया जी के चरण पकड़ो जाके, तो ही बात हो सकती। तीनों देवियां गई अनुसुईया जी की प्रार्थना की और कहा हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे बच्चे जवान हो फिर आप ब्याह कर लेना, बहुबल के रहना, अब तो हम नहीं दे सकती, जो सुख हमें मिल रहा है अब, और भगवान छह छह महीने तीनों। तो जब बहुत प्रार्थना की तब भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूं, आप बालक बनकर सुख देते रहे तो कृपा कीजिए। तो फिर दुर्वासा जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी तीनों भगवान के अंश से प्रकट हुए और वही। तो ये अगर हम अपने पति को भगवान का स्वरूप मान ले तो जो एक यति की गति होती है वही उस सती की गति होती, पर कलयुग है ऐसा मानना, अब तो नाम लेके बुलाते हे रमेश पति जरा चाय लाना, अब रमेश चाय बना रहे चाय, समय बदल रहा है धीरे धीरे, पहले आराध्य देव की तरह माना जाता है।